तो फाइनली Realme GT मास्टर एडिशन मुझे रिसीव हो चुका है और ये है इसका डब्बा। ओके, ये देख लो। फोन सही है और ओरिजिनल है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फोन जो है मैंने अपने पुराने वाले फोन से एक्सचेंज किया, और जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे भैया जी बहुत धांधली होता है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। और आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल है, जो कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया कि ये जो फोन है जिसका दाम 28,000 है, ये कैसे मुझे 13,800 रुपए में मिला, तो इस पे मैंने जो डेडिकेटेड वीडियो बनाया है उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस साइड ना ना इस साइड आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। बाय द वे हम बता दें, हमारा नाम है जयकांत, अपना केवल जयकांत। आपके सवाल के साथ साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपका जो फोन है वो फैक्ट्री रिसेट होना चाहिए, यानी सारा डाटा आपको इरेज कर लेना है, और साथ ही साथ आपका फोन जो है अनलॉक होना चाहिए, कोई पैटर्न लॉक या फिर पासवर्ड लॉक नहीं लगा हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, फोन आपका वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि डिलीवरी वाले भैया जब आएंगे तो फिर वो आपके फोन से IEMI नंबर निकालेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, अगर आपके फोन का पीछे का बैक कवर खुलता है और भैया बैटरी निकालने वाला फंडा है, तो जो बैटरी आपका ओरिजिनल जो फोन के साथ आपको दिया गया है, तो वो बैटरी आपका होना चाहिए। यानी इधर उधर से अगर आप बैटरी डाल के और फिर उसे एक्सचेंज करके सोचेंगे हो जाएगा, तो वो चीज नहीं होगा, क्योंकि वो बैटरी आपका खोल के देखेंगे। अगर पीछे से खुलने वाला होगा तो नहीं खुलने वाला है तो भैया कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर फोर, आपके फोन का कैमरा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो भैया जी ये जो चार पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। जब डिलीवरी वाले भैया आएंगे तो ये चार चीज आपका जरूर चेक करेंगे। अब बताते हैं हम अपनी स्टोरी। ये जो फोन है Realme GT जो हमने एक्सचेंज के थ्रू मंगाया था, तो उसमें हमने क्या क्या किया, और एक जगह तो भैया हम बहुत ही घबरा गए थे। कहने का मतलब यह है कि हमें लगा कि नहीं होगा। इस साइड वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं जो डिलीवरी वाले भैया का हमने बनाया है। डिलीवरी वाले भैया जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि आपका फोन जो है वो फैक्ट्री रिसेट आपने मार दिया। हमने कहा जी। उन्होंने कहा सिम निकाल लिया। हमने कहा जी। उन्होंने कहा आपके फोन में कोई लॉक वगैरह तो नहीं लगा हुआ। हमने कहा जी नहीं। तब फिर उन्होंने कहा कि फोन लाइए हमें दिखाइए, तो हमने फोन उन्हें दिया और दिखाया। हमारे फोन में क्या क्या चीज उन्होंने चेक किया, सबसे पहले उन्होंने डिस्प्ले चेक किया। डिस्प्ले जो था वो हमारा बिल्कुल सही था, क्योंकि भैया जी हमने टेम्पर ग्लास जो है बहुत महंगा वाला, मतलब अच्छे क्वालिटी वाला लगा के रखा था, और चूंकि हमारे फोन का 2 साल हो चुका था Realme X का, तो यहाँ पे जो टेम्पर ग्लास था वो हमने 2 साल में 2 बार बदला था, ताकि हमारा जो सामने वाला डिस्प्ले है वो एकदम सुरक्षित रहे। डिस्प्ले वाला कहानी तो हमारा क्लियर हो गया, यानी फोन सामने से पास हो गया, लेकिन जब उन्होंने फोन को पीछे पलटाया, सामने से देखा तो कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जब फोन को उन्होंने ऐसे टेढ़ा किया तो वहां भी स्क्रैचेस दिखे। अब चूंकि हमारा Realme X जो था वो व्हाइट था, व्हाइट कलर का था, तो उसपे जो ऐसे नॉर्मल ऐसे रखने के बाद क्या है कि स्क्रैचेस वगैरह नहीं दिखते थे, बट ऐसे करने के बाद स्क्रैचेस दिखने लगे और काफी ज्यादा लगा हुआ था। तो हमने कहा देखिए भैया जी बात कुछ ऐसा है कि ये जो स्क्रैचेस लगे हैं पीछे जो बैक कवर था उससे लगा है, तो मतलब वो वाला स्क्रैचेस जानबूझ के हमने नहीं किया है, समझ रहे हैं ना। तो समझदार थे डिलीवरी वाले भैया जी और उन्होंने समझ लिया। उसके बाद क्या था, उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस देखा और बोला कि पीछे से भी आपका फोन ओके है। एंड देन उन्होंने फोन का कैमरा ऑन किया। कैमरा भी जो है वो हमारा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में था, तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ यहां तक। बस हमें एक चीज का डर था कि जो हमारा 3.5 mm जैक था फोन का, वो जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, तो हमें लगा कहीं इसे भी चेक ना करें ये, बट उन्होंने वो सब चीज नहीं देखा। बैक फ्रंट आपका सही होना चाहिए, फोन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और कुछ भी नहीं। जब हमारा फोन उनके अकॉर्डिंग पास हो गया, तो फिर उन्होंने हमें हमारा Realme GT मास्टर एडिशन थमा दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भैया जी आप कैमरा ऑन कर लीजिए और उसके बाद फिर खोलते हैं इसे, क्योंकि एक्सचेंज वाले में काफी ज्यादा धांधली होता है। किसी किसी में क्या होता है कि लोग मंगवाते हैं और फिर कवर निकाल लेते हैं और फिर पैक उप करके भेज देते हैं, भैया कवर तो हमारे पास है, कभी सिम इजेक्टेड पिन जो है वो निकाल लेते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने ये चीज मेरे साथ शेयर किया और उन्होंने कहा कि चलिए खोलते हैं, और फिर कैमरा ऑन करके हमने खोला। जो अनबॉक्सिंग है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, जब आप कोई फोन एक्सचेंज करके मंगवा रहे हैं तो उस फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो जो है, ऑफिशियल अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपको मिलता है तो वो देख लीजिए, या फिर किसी का अनबॉक्सिंग वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये पहले पता चल जाए कि फोन में कौन कौन से यूनिट आपको मिलने वाले हैं। तो ये तो था हमारा स्टोरी। अब यहाँ पे एक और सवाल,
कुछ लोगों का कमेंट ये था कि ये जो ऑफर है ये खत्म हो गया, अब नहीं मिल रहा है। तो देखो भैया जी, बात कुछ ऐसा है कि ये रियलमी जीडी मास्टर एडिशन भैया इतना टूट पड़े हैं लोग इस पे कि क्या ही बताएं। और ये देख के शायद फ्लिपकार्ट वालों ने वो जो इसका बेस वेरिएंट है, मतलब 25,999 यानी 6GB 128GB वाला वेरिएंट, तो उस पे जो ऑफर चल रहा था वो खत्म हो गया। मतलब उन्होंने बंद कर दिया कि क्या कर दिया नहीं पता। लेकिन जो इसका दो वेरिएंट बच जाता है, एक बीच वाला और एक हायर वेरिएंट, जो कि 8GB 128GB और 8GB 256GB वाला है, तो इसमें जो है आपको ऑफर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी क्या ऑफर है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वीडियो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, जो बीच वाला है 8GB 128GB वाला, इसमें जो है जो ऑफर के थ्रू मैंने मंगवाया है, यानी 7,000 जो है अलग से डिस्काउंट मिल रहा है, फिर जो एक्सचेंज करेंगे उसका अलग से डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये सब करके जो है जो मुझे पड़ा, मतलब 13,800 रुपए, बिल भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इतना अमाउंट का ये फोन मुझे पड़ा एक्सचेंज करके। ये बीच वाला जो वेरियंट है ना 8GB 128GB, इसमें आप ट्राई करना। और बात करें अपर वेरियंट की, यानी 8GB 256GB वाले, उसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 7,000, लेकिन यहाँ पे वो 7,000 वाला जो है ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 6,000 का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट वाला फंडा जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऑफर आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं कि बेस वेरिएंट वाला चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप कमेंट कर रहे हैं कि ऑफर जो है खत्म हो गया, नहीं, आप इन दोनों में चेक कीजिए, आपको ऑफर मिलेगा। जो अभी बिग बिलियन डे है वो 10 तारीख तक रहेगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि भैया हमारा जो फोन है, जो मतलब पुराना फोन है, उसका डिस्प्ले जो है वो क्रैक है, मतलब थोड़ा सा फूट गया है, या फिर स्क्रैचेस लग गए हैं, या फिर भैया डिस्प्ले जो है वो चकनाचूर हो गया है, तो इस केस में क्या होगा। तो हमने ये सवाल जो डिलीवरी वाले भैया हैं उनके सामने रख दिया, और फिर उन्होंने क्या कहा तो वो आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, मान लेते हैं डिस्प्ले फूटा हुआ है मोबाइल का। हाँ, मोबाइल का। हाँ। तो वो एक्सचेंज में डालेंगे तो जो प्राइस जैसे डालते हैं, जैसे एक्सचेंज में मान लेते हैं कि उसका दिया ले जाएगा, फूटा रहेगा, नया पास होगा, पास नहीं होगा, ले क्या जाएगा, थोड़ा क्या करेगा, करेक्ट भी होगा तो नहीं जाएगा, स्क्रीन नहीं, ये थी बॉडी में कुछ स्क्रीन तो और नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो माइनस मतलब जो स्क्रीन है ना, मान लेते हैं कि कोना में हल्का सा फूटा हुआ है, हाँ, तो उसका लेस हो जाएगा, स्क्रीन का पूरा अति जोड़ लेगा वो। अच्छा, स्क्रीन का पूरा पैसा लेस करेगा, कर देगा, लेस कर देगा, और उसके बाद फिर जाके जो पैसा होता है तब से वो भी हल्का फूटा होगा तब जाएगा, पूरा फूटने के बाद स्क्रीन भी नहीं जाएगा, मोबाइल नहीं जाएगा पास। अच्छा, डालिए देखिए कितना है मोबाइल, कहाँ दिखाइए, जब फूटिए गया तो नया मान उसमें रिपेयरिंग करता हूँ, अपना सेल लगाता है बाजार कहीं पे, हल्का फल्का स्क्रेच वगैरह साइड वाइड रहा तो वो चल जाता है, वो चल जाता है। और नया मोबाइल आनते अगर आपका इसमें घसा रहता ना, तो डेंट बॉडी मारते, पैसा आपका माइनस हो जाता है, हम कुछ नहीं किए, पास है मोबाइल कर दिया आपका भी, तो कुछ नहीं रहता ना सब हो जाता। अच्छा, मान लेते हैं कि ऐसे आप फोन ले लिए, मतलब बिना देखे, मतलब एक डैमेज प्रोडक्ट आपके पास चला गया, तो वहाँ पे जो सबमिट कर पास होगा वहाँ, तो हमको मोबाइल भर के पैसा अपना भरवा लेगा, मतलब आपसे पैसा लेगा, हाँ, हमसे लेगा, अगर मोबाइल लेके पास नहीं होगा तो पैसा हमको भरना होगा, वो बोले आप देख के क्या लिए आप मोबाइल में। जैसे एक फोन है वो पूरा मतलब ऊपर नीचे पूरा ठीक है, ठीक है, सिर्फ उसका जो कैमरा है ना वो थोड़ा सा स्क्रीन फूट गया है, कैमरा वाला, कैमरा का स्क्रीन फूट गया, नहीं लेगा लेंस, कैमरा का स्क्रीन फूट गया, मोबाइल का नहीं पासे दो तेरा है सब, आप चेक करने के बाद वही ना बोल रहे थे, मोबाइल आप जैसे आप कल लिए थे ना, हाँ, उस तरह का मोबाइल देखिए डेंट बॉडी में, अभी चेक कर देते आपके सामने जो होगा वही है, वो साइड में जो है बस उसका पैसा कट जाएगा ना, कोशिश कीजिएगा कम करते हैं, देखिए हम क्या, हम तो जो डालेंगे वो हम तो अपने ऊपर, तो कंपनी ने दे सकती है, उसमें डेंट ऑप्शन आता देखिए ना, आप ये अप्रूव करके सामने करते हैं, कुछ भी इधर हो या तनी हो तो वो डेंट में वही ऑप्शन रहेगा, देखिएगा जैसे इसका फोटो डालेंगे तो वो फिर बताएगा ना, हाँ, देखिए 850 रुपये आपको भी लगेगा, 850 मतलब देना होगा, 850 फोन दीजिए या अथी दीजिए, तो इसका कितना लगाया, कैसे 850 रुपये दिए, सब पेमेंट तो कर ही दिए, इसका तब काटा कैसे, कितना कैसे पता चलेगा कि इसका कितना माइनस किया, पता है स्कैन की वो ऑटोमेटिक रेट कंपनी रेट लगाती है, लगा दिया है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, दे देते हैं 850 रुपया दे देते हैं आपको।
तो फाइनली अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका डिस्प्ले फूटा है या फिर फोन में क्या प्रॉब्लम होंगे, जिसके कारण क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, तो वो डिलीवरी वाले भैया ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो उन्होंने ये कहा कि वो जो अगर थोड़ा मोड़ा फूटा होता है तो उसका जो पैसा है वो लेस हो जाएगा। लेस कितना होगा ये एग्जैक्ट, वो एक जो फ्लिपकार्ट वाला एप्लीकेशन है उन्हीं का एप्लीकेशन है, तो वहां पे एक अलग से इनका ऑप्शन बना हुआ था, तो वहां पे वो चीज जो है डालते थे और उसका प्राइस जो है वो रिड्यूस करके फिर जाके नेट अमाउंट बताता था कि अब इस फोन का आपको कितना वैल्यू पड़ेगा। एक सैमसंग का पुराना फोन था तो हमने उसको भी एक्सचेंज किया, हमने 3 फोन जो है वो एक्सचेंज करवाया है अलग 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 फोन से, तो काफी एक्सपीरियंस मिला है हमें। एक बात उन्होंने और कहा, अगर कोई डैमेज फोन वो ले लेते हैं आपसे तो फिर जाके उसका पैसा उनको देना पड़ेगा वहां मेन ऑफिस में जहां पे वो फोन सबमिट होगा, तो वो पैसा जो है वहां से लेंगे और फिर उनको कहेंगे कि तुमने भैया ये फोन लिया क्यों, इसका पैसा तो तुम्हारे सैलरी से कटेगा, तो ऐसा उन्होंने कहा। अब थोड़ा सा मैं आपको Realme GT Master Edition के बारे में बताता हूँ। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे इस फोन को यूज किए हुए, और इस 24 घंटे में मैंने जो नोटिस किया है वो ये कि फोन जो है वो आपका हीट होता है। ओके, हीट इन द सेंस कि यहाँ पे जो मेरा जैसे चार्जिंग में मैंने लगाया था तो वहां पे फोन हल्का सा हीट हो रहा था, लेकिन चार्जिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट था। करीबन 11 मिनट में मेरा फोन जो है 50% चार्ज हो चुका था, मतलब 0 से 100% मैं टेस्ट कर रहा था यहाँ पे। दूसरा चीज जो मैंने नोटिस किया है वो भी है हीटिंग से रिलेटेड। नॉर्मली क्या है कि फोन जब मेरा चार्जिंग वगैरह हो गया, फोन जब मेरा रखा हुआ रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही मैं फोन यूज करने के लिए लेता था, मैंने 120 हर्ट्ज पे सेट करके रखा है, तो वहां पे क्या है कि फोन मतलब मैं थोड़ा देर यूज कर रहा हूँ और छूने के बाद पीछे से लग रहा था कि पीछे मतलब फोन हीट हो रहा है। तीसरा चीज जो मैंने नोटिस किया है 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, और सच बताऊं तो मैं अपने Realme X को जो है वो काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं। उसका जो फ्रंट कैमरा था 16 मेगापिक्सल का था, लेकिन उससे जो फोटो कैप्चर होता था वो मतलब सही, मतलब अच्छा फोटो आ जाता था, लेकिन इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। लेकिन जब मैं लो लाइट में फोटो लेता हूं, मतलब अभी जो लाइट है इस कंडीशन में मैं फोटो लेता हूं, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है। एंड देन एक चीज मैंने नोटिस किया है, जब आप इस तरह से फोटो ले रहे हो और जो मेरा वॉल्यूम कंट्रोल बटन होता है उससे जब दाबते हैं तो हमारा हाथ हल्का हल्का शेक करता है, तो उस केस में क्या है कि अगर आपका हाथ हल्का सा भी शेक करता है वहां पे फोटो कुछ इस तरह से देखने को मुझे मिला। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, तो ये चीज मुझे देखने को मिला इस फोन के फ्रंट कैमरा में। बट अगर डे लाइट की बात करें तो वहां पे जो है मुझे इसका परफॉर्मेंस जो है वो सही लगा। बाकी डिटेल वीडियो कैमरा के ऊपर भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी सिर्फ एक ही अपडेट मिला है और कैमरा से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं मिला है। मैंने एक दो वीडियो भी देखा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि कैमरा से रिलेटेड एक अपडेट आया है, उसके बाद इसका कैमरा जो है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो गया है। बट मेरे ये जो Realme GT हमें मिला है इसमें अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है, तो मे भी शायद अगर अपडेट मिलता है तो कैमरा थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ बातें जो हमने 24 घंटे में नोटिस किया है तो वो हमने बता दिया, और 2-3 दिन में जो है हम एक डिटेल वीडियो जो है वो आपके सामने रख देंगे। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।